नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मोगा के कस्बा कोट इसे खाम में एक नौजवान ने ससुराल परिवार से तंग आकर की आत्महत्या, मरने से पहले बनाया वीडियो। जंडियाला गुरु के नजदीक थाना ब्यास की पुलिस ने गश्त के दौरान एक महिला तस्कर को किया काबू, 15 किलो चूरा पोस्त किया बरामद। जालंधर के पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में पंजाब पुलिस के सभी बड़े अधिकारियों और बीएसएफ अधिकारियों की हुई मीटिंग। बॉर्डर पार से आने वाले ड्रोन के जरिए नशे और हथियारों की रोक हेतु बनाई योजना। और अब हलचल विस्तार से। मोगा के कस्बा कोट ईसे खां में एक नौजवान द्वारा ससुराल परिवार से तंग परेशान होकर फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि मृतक गगनदीप सिंह का एक वर्ष पहले परमजीत कौर के साथ विवाह हुआ था। मृतक के ससुर परिवार की ओर से शुरू से ही उसे तंग परेशान किया जा रहा था। जब उनके भाई को पता चला कि उसकी पत्नी पहले किसी और जगह विवाहित थी, लेकिन ससुर परिवार की ओर से ये बात छिपाकर रखी गई थी, फिर भी ससुर परिवार की ओर से उसके भाई को जानबूझकर बेइज्जत किया जा रहा था, जिस कारण उसके भाई ने ससुर परिवार से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या करने से पहले गगनदीप सिंह ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है और खुद की एक वीडियो भी बनाई है, जिसमें ससुर परिवार उसकी पत्नी, सास और साले की ओर से जानबूझकर तलाक के लिए दबाव बनाने और 25 से 30 लाख रुपयों की मांग की बात की जा रही है, जिससे तंग परेशान होकर उसने आत्महत्या की है और उसने अपनी मौत के बाद इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। कारण सास ते घरवाली ओदे साले दे बरखलाफ परचा दर्ज हो गया जी। केड़ी केड़ी तरह होता है? 306 506 34 IPC। सर आत्महत्या किस तरह की उन्होंने? पक्के ना लटक गए सर। एक कोई ऑडियो भी है जड़ियां इन्हां कोले रिकॉर्डिंगा हैगियां ने, सुसाइड नोट भी है, की लिखा सी ओदे विच? ओदे विच भी इही तिन्नां दा नाम लिखया उन्होंने, परमजीत घरवाली आ ते सस दा नाम सिमरन कौर ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਖਾਉਣ। ਇੱਕ ਸਰ ਸੱਸ ਵੱਲੋਂ 25 to 50 lakh ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਾਧੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਵਾ ਕੇ ਕਟਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸਦਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸੱਸ, ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰਨ ਸਰ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ 20 to 50 lakh ਰੁਪਈਏ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 20 to 50 lakh ਰੁਪਈਆ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਨਹੀਂ, ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। जंडियाला गुरु के नज़दीक थाना ब्यास की पुलिस ने गश्त के दौरान एक महिला को भारी मात्रा में चूरा पोस्त सहित काबू किया है, जबकि उसके साथ जो व्यक्ति था वह पुलिस पार्टी को देखकर फरार हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर सविंदर सिंह ने बताया कि मुख्य अधिकारी सतनाम सिंह की निगरानी में पुलिस पार्टी गश्त के दौरान गाँव रैया में मौजूद थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर एक आदमी और एक महिला आते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस पार्टी को देखकर घबरा गए और मोटरसाइकिल चालक व्यक्ति मोटरसाइकिल को गिराकर मौके से भाग गया।
जबकि महिला को काबू कर लिया गया। पकड़ी गई महिला की पहचान सोनिया पत्नी राबिया सिंह निवासी रैया के तौर पर हुई है और भागने वाले व्यक्ति की पहचान राबिया सिंह निवासी रैया के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि काबू की गई महिला के पास से 15 किलो चूरा पोस्त भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने महिला पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस पार्टी गश्त करती हुई रैया वार्ड नंबर 12 जा रही थी। सामने तरफों एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान जिसके पीछे एक औरत बैठी थी आए तो पुलिस पार्टी ने एक मोटर सवार नौजवान ने छाल मार के भर गया। औरत ने काबू किया, उस पास 15 किलो भुक्की बरामद की थी, जिसने मुकदमा नंबर 141/3 दर्ज करके अगली कार्रवाई अमली जाती गई। और उधर ना ही प्रहार ना गया बाबिया सिंह और उधर ना गया सोनी। जालंधर के पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में पंजाब पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों और बीएसएफ अधिकारियों के बीच बॉर्डर को लेकर मीटिंग की गई, जिसमें बॉर्डर पार से आने वाले ड्रोन के जरिए नशा और हथियारों की रोक के लिए योजना बनाई गई और इस योजना के तहत पंजाब पुलिस और बीएसएफ के अधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। पंजाब पुलिस के एडीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि पंजाब पुलिस बीएसएफ के साथ मिलकर बॉर्डर पर होने वाली गतिविधियों और ड्रोन के जरिए आने वाले नशे की रोकथाम के लिए सतर्कता दिखा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 20 करोड़ रुपयों की राशि दी है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर और 10 करोड़ रुपए मोबिलिटी के लिए खर्च किए जाएंगे, जिसमें हाईटेक सीसीटीवी कैमरे बॉर्डर पर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में 100 किलो हेरोइन पकड़ी गई है और बहुत सारे ड्रोन भी पकड़े गए हैं, जिसमें पंजाब पुलिस अपनी पूरी तरह मुस्तैदी दिखाए हुए है। वहीं बीएसएफ के आईजी ने कहा कि इस वर्ष 34 के करीब ड्रोन पकड़े गए हैं और 735 किलो हेरोइन भी पकड़ी गई है व 204 बड़े नशा तस्करों को भी पकड़ा गया है। अभी 38 और नशा तस्करों की प्रॉपर्टी सिस्ट करने की सिफारिश भी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ड्रोन की एक्टिविटी पाकिस्तान द्वारा की जाती है और उस समय बॉर्डर पर तैनात जवान ड्रोन की एक्टिविटी की आवाज़ सुनकर आगे की कार्रवाई करते हैं। तकरीबन बॉर्डर पर से ये एक्टिविटी रात के समय में ही होती है, दिन के समय में नहीं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अज साढ़े पंजाब पुलिस के और बीएसएफ के सारे सीनियर अधिकारियों की पूरी स्टेट की एक बैठक इतने हुई। इस बैठक के जी सा बॉडर है उसनों किस तरह स्ट्रेंथन किया जाए ताकि जोड़ा नशा आ रहा है पाकिस्तान वालों ड्रोन राही या होर साधना राही उसनों किस तरह असी खत्म किया जाए, इन सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। कई नई चीज़ा सामने आई, कई स्ट्रैटेजीज असी इवॉल्व कीतिया ने। सो असी पूरी उम्मीद रखते हैं कि जिहड़ी साडी इह मुहिम ड्रग्स के खिलाफ चल रही है इस नूं होर हुंगारा मिलेगा। आप बॉर्डर नूं सुरक्षित रखने लई की प्लान किए जाते, पंजाब सरकार वालों कोई पैसे भी मुहैया करवाए गए? पंजाब सरकार वालों इस साल एक तो असी फोर्स वधाई है अपनी सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से, बाकी जिहड़े साडी स्ट्रैटेजिक लोकेशनस हैं उन्हां ते सीसीटीवी लगाउण लई पंजाब सरकार वालों 20 करोड़ रुपया दिता गया, 10 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर लई डेवलपमेंट लई दिता गया और 10 करोड़ रुपया जिहड़े साडे सरहदी इलाकियां च ठाणे पैंदे आ उहनां दे मोबिलिटी वधाउण लई उहनां दी गड्डियां वगैरह प्रोवाइड करन लई ओह भी दिता गया। जे गल करिए 80 दी दशक 80 दे विच असले आंदे सीगे काफ़ी भारी मात्रा, मगर हुण हेरोइन। देखो ये पाकिस्तान की हमेशा तो कोशिश रही है कि साडे मुल्क नूं साडे सूबे नूं कमज़ोर किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए। सो 80 दे दशक दे विच जदों पंजाब दे विच मिलिटेंसी दा दौर सी उदों वैपन्स आंदे रहे आ और उस दे बाद उन्होंने देखिया कि नहीं वैपन्स नाल गल नहीं बनदी ते एक इहो जिहा उस तों भी खतरनाक चीज़ भेजनी शुरू करती जिहदे नाल साडी जनरेशन ते इफेक्ट पैंदा है, जिहड़ी साडी यंगर जनरेशन है भविख ते असर पैंदा है। सो पिछले एक साल दे विच मैं तुहानूं दसना चाहवांगा कि असी एक रिकॉर्ड रिकवरी कीती है हीरोइन दी जो कि पिछले साल नालों 3 गुना वध है और इस साल साडा फोकस है कि असी वड्डे स्मगलर्स दे उत्ते शिकंजा कसीए। इस साल लगभग 100 तों उत्ते वड्डे स्मगलर्स फड़े गए है जिन्हां कोलों 2 किलो तों वध दी रिकवरी हुई है
और असी एक आज तो मुहिम शुरू की है कि जिन्हें भी समगलर्स है पंजाब के वह एन डी पी एस एक्ट के अधीन उन्हों की प्रॉपर्टीज़ जी उन्होंने इस राशि तो बनाई है वह सारी प्रॉपर्टीज़ नू फोरफीट करन दा एक असी एक मुहिम शुरू की है। जी गल करिए जिदा तुम क्या जो बड़े मगरमच्छ है उन्होंने थल भी पाई है उन्होंने प्रॉपर्टी भी करनी सील करनी शुरू करती किन्ने बड़े मगरमच्छा की जी प्रॉपर्टी सील की गई हूँ तक 30 प्रॉपर्टियाँ असी फ्रीज़ कर चुके हैं जिन्हों के ऑर्डर साढ़े को आ गए और बहुत सारे प्रपोजल्स असी हुण तैयार कर रहे हैं। सारे एस एस पीज़ नूं यह हिदायत की गई है कि जिहड़ा भी कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ दे विच हिस्सा लैंदा है ये ड्रग्स दे संबंधित एन डी पी एस एक्ट के मुताबिक उन्हां दी प्रॉपर्टीज़ फोरफीट की जाए। हम लोग तो जी बॉर्डर पर रहते हैं बट आज की स्थिति में क्योंकि बाढ़ की स्थिति है तो सतलज में बहुत बाढ़ आई है और हमारे जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पूरी तरह से हमारा डोमिनेशन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है बाढ़ की कारण की वजह से। तो हमारे काफ़ी बीओपीज भी हमने अभी फिलहाल डोमिनेशन से दूर है तो उसकी वजह से ये एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो प्रयास करते हैं घुसपैठ करने की और हीरोइन स्मगलिंग करने की पर हम सब लोग मुस्तैद है। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते में हमने दो इंट्रूडर को जो पाकिस्तान घुसने की कोशिश कर रहे थे अमृतसर और गुरदासपुर सेक्टर में उनको मार गिराया है तो हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं वो 24/7 फेंस के साथ रह के बॉर्डर के साथ रह के काम कर रहे हैं और हम लोग जो है चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो चाहे वो ड्रग स्मगलिंग हो चाहे वो ड्रग स्मगलिंग थ्रू ड्रोन हो उसके लिए हम मुस्तैद है और उसके पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जंडियाला गुरु के बाबा आला सिंह कॉलोनी के नजदीक मलियाना गुरु द्वारा स्थित एक घर को दिन दिहाड़े चोरों ने अपना निशाना बनाया। इस दौरान चोर लाखों रुपयों के सोने के गहने और मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और घर में पड़े बेड व अलमारी का सारा सामान चोरों द्वारा बिखेर दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पारिवारिक सदस्य जसबीर कौर ने बताया कि वह सुबह 8 बजे दरबार साहिब चले गए थे। जब वापस घर आए तो देखा कि घर के कमरे के ऊपर लगा शीशा टूटा हुआ था और जब अंदर जाकर देखा तो अलमारी का सारा सामान बिखरा हुआ था और उसमें पड़ा सोने का कड़ा अंगूठिया और चेन गायब थी जिसकी लिखित शिकायत जंडियाला गुरु पुलिस को दे दी गई है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि उन्होंने मौके का जायजा ले लिया है। चोरों की तलाश के लिए रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। पौने घट गए हैं घरों से तो 8 बजे 9 मेरी चली गई है तो बस उदों बाद फिर पता नहीं भी किहड़े वेले आ गए अं तो सत्संग चले गए अं तो दरबार साहब चले गए जी। हाँ जी तो कड़ा वा मुंदरी आ फिर दो मुंदरियाँ बेटी की मुंदरी आ बेटी की चैन आ तो वह लॉकर जो परसों ही रखे आ समान भी रखने तो मैं कहने मन कुड़ियाँ चैन नहीं पाई आते नहीं ममा चा रहन दो कोई गल नहीं मैं बेच ही रखी आ कोई गल नहीं लॉकर ये नहीं जो मैनू पता हूँ पिछों की आए आ कि अगों की आए यो तो हैरान आ भी ये आए किधर दी शीशे टोटे आ दरवाजा तो अभी चलो नहीं इन्ना लॉक नहीं इनू किता उदा ही ला गए हैं तो यदा पता ही नहीं लगा भी ये वे तोड़ के तो चल अच्छा आद नहीं फिर डिगे पे है समान वोटी ने आके मैं दसिया फिर मम्मी जी तुम घर आए जे मैं ना बेटे मैं अं तो घर जी रस्ते चे अं तो जे हाँ जी बैड बुड भोले नहीं होर नहीं कोई चल मोबाइल आ बैड तो पे दोनों ही एक च सिम नहीं हैगी एक च सिम एक चालू आ नुकसान अजे वेख के दसन गए आते गोल्ड गया थोड़ा जहा ये 2 तोले गया आंदे गोल्ड गया वो वेख के दसदे हुण सारा समान वेखणगे फूलणगे फिर पता लगेगा भी की गया उन्होंने दुआर टप के तो अंदरले गेट आम ही खुले कई परिवार के जी छड़ जांदे आ बाहरले गेट नूं ताला लगा अंदर खुला है ग्रिल लगी आ टप के अंदर दाखिल हो गए तो उन्होंने कच लगा कच तोड़ दिता आंढ गुआंढ जिहड़े लगे आ एक तो कैमरे बंद ही बाकी वेखांगे भी केंदी आए केंदी गए आ भी हुण पता लग जांदा हुंदा। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल के बेबी नानकी वार्ड में एक बच्ची की मौत हो जाने का मामला सामने आया है जिसमें पीड़ित परिवार की ओर से अस्पताल के डॉक्टरों पर बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीड़ित परिवार ने बताया कि वह तरन तारण के गाँव गंडी विंड के रहने वाले हैं।
उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची बीमार थी तो वे उसे तरनतारन के सिविल अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों की ओर से उन्हें अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल के बच्चा वार्ड में रेफर किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची ठीक ठाक थी और उनके साथ बातचीत कर रही थी, जिसकी वीडियो भी उनके पास है। इस दौरान नर्स की ओर से उसे एक टीका लगाया गया, जिसके बाद बच्ची को होश नहीं आया और उसकी मौत हो गई। इसलिए पीड़ित परिवार ने डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। वहीं अस्पताल में मौजूद डॉक्टर गौरव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बच्ची के परिवार ने बताया कि बच्ची गली में कुत्ते के साथ खेल रही थी और वह कुत्ता हल्काया हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची में रैबिज के फीचर्स आने शुरू हो गए थे, जिसमें बच्चा डरना शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्ची के परिवार को भी अपने आप को इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि बच्ची एकदम अरेस्ट में चली गई, बच्ची के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और बच्ची की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बच्ची को गलत इंजेक्शन क्यों लगाएगा। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी कुलवंत सिंह ने बताया कि सीनियर डॉक्टरों से बातचीत कर इस मामले की जांच की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बच्चे को ना बच्चे के पेरेंट्स ने हिस्ट्री अटेंडेंट्स जो उन्होंने हिस्ट्री दी कि बच्चे ने बच्चा कुत्ते खेलता हों गली करके शायद कुत्ता हल्काया हो वो करके की है बच्चे के ना रेबीज के फीचरस आने शुरू हो गए। वो कि हों बच्चा डरना शुरू कर दिता, तो एकदम बच्चा इदा करता कि बच्चा डरना शुरू करता से उन्हें, तो इन्हों अटेंडेंट्स में कहा तुम भी इंजैक्शन लगवा लो एंटी रेबीज। ये रेबीज का इंजैक्शन लगवा गए तो पिछों बच्चे अरैसट आ गया, कार्डियक अरैसट आ गया। हाँ जी सवेर दे आए हुए इन्होंने मॉर्निंग का ही उन्होंने काउंसल कर रहे हैं, तो डिकलेयर ऑलमोस्ट 4:15 होया बच्चा अरैसट के चल गया ना, एकदम अरैसट के चल गया बच्चा जो अटेंडेंस के घर नीचे गए हुए थे बच्चा अरैसट के चल गया। पहले गैसपिंग एफर्ट्स के फिर इन्होंने बच्चे CPR किया गया, अगर नहीं रिवाइव होया फिर इन्हों ADR दिता गया, बच्चा प्रोपर अरैसट के चले गया। फिर इन्हों अटेंडेंस नीचे है नहीं सी उपर, मैं पूरे कैबिन के अटेंडेंस को कहा कि कॉल करो उन्होंने जब बुला के लियाओ, ठीक है कोई गया नहीं बुला। फिर उन्होंने फोन किया सारे जिन्हें भी नंबर है उन्होंने कॉल किया, फिर अटेंडेंस आए, फिर उन्होंने दसिया गया कि बच्चा कह रहे हैं कि डॉक्टर ने टीका गलत लगाया। नहीं टीका क्यों गलत लगाया, बच्चा जो ट्रीटमेंट चल रहा बस उही चल रहा है सर। पता नहीं कोई एहजी प्रॉब्लम नहीं, एको दम उन्होंने ना औखे औखे सह जाए तो मूँह चो ब्लड आन लग पाया, तो सर अं इतों सिविल च गए तो सिविल वाले कहें कि उत्तर बच्चों के स्पैशलिस्ट है गुरु नानक हॉस्पिटल उत्थे जाओ। सर अं गुरु नानक हॉस्पिटल आए हैं सर, बड़ी वधिया मेरी बच्ची वधिया, इन्होंने रिपोर्टा करवाइया, रिपोर्टा नॉर्मल आईया, तो जी हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ी क आई है कि हार्ट में थोड़ी सूजन आई है वो करके, बाकी सारा नॉर्मल आ। तो सर मैं अपनी बेटी नाल 2:30 बजे तक गलबात बड़ी वधिया की, वीडियो बनाई कहती मम्मा तुसी ना घर जाओ, तो मैं ठीक है मैं नारियल पानी, कहती मम्मा मेरा कुछ मिठा खा जी कर, मैं बिस्कुट खुवा के गई अपने हथी, मैं 7 बजे इतों गई सर। तो मैं अपनी बेटी बड़ी हसदी खेडती छड के गई, 2:30 बजे मैंने कॉल आया मम्मा का कि किरत कहती मैं तेरे गल करनी, मैं गल की सर कहती मम्मा तुसी सवेरे मेरे वास्ते आ जाओ घर। सर डॉक्टर ने कोई छेड़खानी की, मैं अपनी बेटी नूं चंगी भली नूं छड के इत्थे गई हां। सर मेरे बच्ची नूं कुछ ना कुछ तो इन्होंने कुछ हरकत की, मैं खुद अपने हथी अपनी बेटी नूं छड के गई हाँ सर, गल्लां बातां करन दी आ। मम्मी पापा नूं इन्होंने इंजैक्शन लाने थले भेजता, तो सर मगरों ही इन्होंने कुछ करता, क्योंकि जे इंजैक्शन लाने भेजना इन्होंने एक जड़ी नूं भेजना, मम्मी नूं भेजता नाल ही पापा नूं भेजता इंजैक्शन लवाउण। डॉक्टर गौरव के मुताबिक बच्चे कहें डॉग के नाल खेलता सी, उन्हें डॉग बीटिंग के नाल होबिया भी सी प्रॉब्लम सी, जिदे करके बच्चा दा बाद चो फिर इन्हों पेरेंट्स ने भी कहा भी तुम भी इंजैक्शन लवा के आओ डॉग के, तो एकदम इन्हों की कहें प्रॉब्लम पई है, तो जिदे करके बच्चे की डैथ हो गई। हाँ वीडियो तो चलो वीडियो की ठीक है, पर बच्चे कहते होबिया प्रॉब्लम है, होबिया एक डर की बीमारी भी होंगी है, जिदे करके डॉक्टर की रिपोर्ट मुताबिक सारा कुछ दसा जाएगा जी। एक कार्रवाई सीनियर डॉक्टर मिल के जो भी डिस्कस करके जो भी सीनियर अफसर वालों हुक्म होगा जी उसकी कंप्लेंट की जाएगी। ये तस्वीरें अमृतसर के गहरी मंडी स्थित एक्सिस बैंक की शाखा की है, जहां गत रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा बैंक की दीवार में से सेंध मारी कर बैंक के ATM को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई।
जिस संबंधी बैंक प्रबंधक आकांक्षा अरोड़ा की ओर से इस सारी घटना की लिखित शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी गई है और एटीएम की सुरक्षा एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही गहरी मंडी पुलिस चौकी इंचार्ज सुखवंत सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। उस बारे जी मैं कंप्लेट जी आकाशा अरोड़ा पुत्री विजय कुमार वासी सामने बाटा शोरूम पुतली घर अमृतसर दी रहने वाली है। तो ये अपने गहरी मंडी एक्सिस बैंक बतौर मैनेजर का काम कर रही है। तो इन्हें एक दरखास्त लिखी पेश की है भी मिती 16-17 की दरमियानी रात को नाम चोरों ने बैंक की कंध में पार लगा के बैंक के अंदर दाखिल हो के एटीएम मशीन की भन तोड़ की आ। पर बैंक नूं खोल के अज मैं मतलब कि अपने स्टाफ के नाल वेख्या तो वाकया भन तोड़ हुई ही। तो एटीएम मशीन चेक की जिसे कोई भी कैश जो चोरी होना नहीं पाया गया। इस तों अलावा असी सारे स्टाफ ने अपने जो दफ्तरी रिकॉर्ड की भी सर्च की अरे कोई भी रिकॉर्ड नाल छेड़छाड़ नहीं हुई। इस संबंधी मुकदमा दर्ज करके जी तफ्तीश अमृत लगी जा रही है। तो CCTV फुटेज कोई भी जी क्लीयर मतलब कि इन्हों का चेहरा सामने नहीं आया क्योंकि इन्हें मूँह बने हुए। अमृतसर के थाना तरसिक्का के अधीन आते गांव धुलके के एक घर में ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। जब गांव के लोगों को इस बारे में पता चला तब गांव के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और इसकी जानकारी सत्कार कमेटी के नेताओं को दी, जिसके बाद सत्कार कमेटी के नेता बलबीर सिंह मुच्छल भी मौके पर पहुंच गए। तो वहीं जब पुलिस प्रशासन को पता चला कि ईसाई धर्म के प्रचार को बंद करवाने के लिए सत्कार कमेटी और गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं और कोई बड़ी घटना ना घटित हो, इसलिए पुलिस अधिकारी भी अपनी टीम को लेकर गांव में पहुंच गए और उनकी ओर से मामले को शांत करवाकर ईसाई धर्म का प्रचार सुनने आए लोगों को उक्त घर में से अपनी निगरानी में बाहर निकाला गया और गाँव से रवाना किया गया। तो घर के सदस्यों ने गांव वालों से माफी मांगकर अपनी जान बचाई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। फैसला लल्या वा के इस पिंड दे विच ईसाई धर्म दे कुछ जेड़े कूड़ दा प्रचार कर रहे ने, लोकां नूं गुमराह कर रहे ने, पिंड घरां विच जाके अपने इश्तिहार सुटदे ने ते नाल कहिंदे ने तुहाडियां बीमारियां दा जेड़ा इलाज कर देवांगे। वेखो कि हस्पताल जेड़े अमृतसर दे विच बहुत ज्यादा ने, ये उत्थे क्यों नहीं जाते? ये घर च आ के लोगों जो गुमराह कर रहे हैं। ये असी बिल्कुल ये प्रचार नहीं इन्हों का हो देवे इदा का। अज पिंड वालों बेनती सारे अपने नहीं नहीं सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी के तहत जालंधर के सोडल रोड पर स्थित प्रसिद्ध उद्योगपति महेश गर्ग के निवास स्थान पर प्रभात फेरी बड़ी धूमधाम से निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा कर आरती के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर पारिवारिक सदस्यों और इलाकावासियों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। रावण लक्ष्मी
सरकार अपने भक्तों की सनातन धर्म संस्कृति की गौ माता की रक्षा करने वाली हमारी भक्तिगंज माँ श्री कुरमाली अपने अनेकों स्वरूपों में प्रकट है। माँ वैष्णो माँ ज्वाला माँ चिंतपूर्णी कालरा चुंबा कलिका अपने बावन सिद्ध स्वरूपों में माँ हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए आयु ब्राह्मण है जो सिद्ध पीठ हमारे सनातन धर्म के मूल आधार हैं। इसलिए इनकी कृपा करना से ही पूर्व समय में भी सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा हुई। कभी जगदगुरु रामानंदाचार्य भगवान आए, कभी शंकराचार्य भगवान आते हैं, कभी गोस्वामी तुलसीदास श्री के महापुरुष इस धरा पर सनातन धर्म संस्कृति गौ माता की रक्षा के लिए आते हैं और माँ भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिव शक्ति माँ बंगलामुखी मंदिर 120 फुटी रोड जालंधर में माँ बंगलामुखी जी के हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाकर यज्ञ को संपन्न करवाया। इस मौके पर प्रधान प्रवीण कत्याल, हैप्पी बाबा, सतीश कुमार, गुरुदेव अंगुराल, रॉकी खुराना, जतिन अरोड़ा, यशपाल, अमित गुजराल, विजय खन्ना, विकी विज, धीरज नंदा, संतोष शर्मा, मनोज चड्डा, राधिका महाजन, सिमरन भल्ला, क्रश कोहली, रंजू कपूर, राधिका कोहली, अनीता शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर साई 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात साई 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। बढ़िया विधवत गौ माता को सजा करके चांदी आदि स्वर्ण आदि से विभूषित करके सुंदरमय रहस्यमय कीर्तिमय गौ माता को आज परिणित किया है, रूपमय बनाया है और गौदान के लिए। पर एक गलती हो गई राजा नृग से कि एक ही गाय को कई बार दान कर दिया। अब आप सोचे कि किसी जगह पर एक गाय हो और हम भी जाएं गौदान कर दें, हम भी जाएं गौदान कर दें। तो इस कथा से यही सीख है, जहां काफी ज्यादा गौ माताएं आप जाएं और लास्ट समय अंत समय यदि कोई पार लगाएगा कृपा करेगा तो गौ माता की जो पूछ है, अरे उस पूछ की इतनी महिमा है। भगवान कृष्ण को जब नजला लग जाता था तो माता स्वयं उस पूछ से प्रच्छित करती और माता के जब ऐसे आशीर्वचन होते भगवान कृष्ण बिल्कुल स्वस्थ हो जाते थे। शगुन करने का भाग्य प्राप्त होता है वो ब्रजवासी गोप गोपियाँ जिन्हें कोई और ने साधन नहीं किए थे, गौ माता की शरण ग्रहण करी, गौ माता की सेवा को अपने जीवन में धारण किया और जहाँ गाय वहाँ गोपाल हूँ वहाँ पर ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान गोपाल के घर में आए, उनको वो सुख दिया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं पा सके। इसलिए श्रीमद्भागवत महापुराण का सार सर्वदेवमयी गौ माता की सेवा। गौ सेवा होने से सभी सत्कर्म अपने आप ही आने लगते हैं। भक्त प्रहलाद जी कहते हैं कि आपके बाल को भगवान की भक्ति जब हृदय में प्रफुल्लित होती है, विराजित हो जाती है तो सभी सद्गुण पहले ही हृदय में आके विराजित हो जाते हैं
और सभी सत्कर्मों का भगवत आराधना का मूल भी गौ माता की सेवा ही है। जब भगवान अति प्रसन्न होते हैं तो उसको अपनी प्यारी गौ माता की सेवा देते हैं, ऐसा हमारे कहते हैं। सुरेंद्र कटारिया जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए रस्म क्रिया श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर जालंधर में संपन्न हुई। इस दौरान पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सुरेंद्र कटारिया की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक केडी भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पार्षद उमा बेरी, पार्षद रोनी, अजय कुमार लाली और पारिवारिक सदस्यों में सुनीता कटारिया, विनय कटारिया, रोशन लाल कटारिया, राजकुमार कटारिया, सतपाल कटारिया, मनीष आहूजा, आशारानी प्रेम कटारिया, किरण कटारिया, सुदेश बजाज, सोनम आहूजा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने उपस्थित होकर स्वर्गीय सुरेंद्र कटारिया को श्रद्धा सुमन भेंट किए। ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਣਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਦਸ ਮਨ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡੀਓ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਅਗਨੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਬੁਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਦੇਣੇ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਗਨੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਖਿਓ ਢਾਕ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਪਿਆਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲੱਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के यूथ प्रधान चेतन हांडा और प्रधान विपिन सब्रवाल की चाची विमला रानी जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में संपन्न हुई। इस दौरान पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय विमला रानी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर अजीत समाचार पत्र के मुख्य संपादक बरजिंदर सिंह हमदर्द, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन शशि शर्मा, भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के प्रधान विपिन सब्रवाल, मेयर जगदीश राज राजा चंद्र गरेवाल, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, आप नेता सुरेंद्र सिंह सोडी, डॉक्टर नवजोत दहिया, दर्शन कपूर, चरणजीत सिंह अटवाल, श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, आप नेता मोहिंदर भगत, युवा भाजपा नेता रोबिन सांपला सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने उपस्थित होकर विमला रानी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। शिवराम
ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ
मोहिंदर कुमार का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय मोहिंदर कुमार को मुखाग्नि उनके बेटे प्रदीप कुमार ने दी। इस मौके पर विजय खुल्लर, एमएल चोडा, बांकेलाल पुरी, संदीप शुक्ला, पंडित सोमनाथ पाठक, लखबीर सिंह लाली, रघुबीर सिंह, पवन कुमार, अबकौर सिंह, राजेंद्र खुल्लर, संदीप कालिया, सोम प्रकाश, तजेंद्र तनेजा, सोहिल, डॉक्टर ललित टंडन, डॉक्टर नेहा वर्मा, डॉक्टर पीयूष वर्मा, डॉक्टर बीबी लाल, बी आर खोखर सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय मोहिंदर कुमार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। Thank you.
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मोगा के कस्बा कोट इसे खाम में एक नौजवान ने ससुराल परिवार से तंग आकर की आत्महत्या, मरने से पहले बनाया वीडियो। जंडियाला गुरु के नजदीक थाना ब्यास की पुलिस ने गश्त के दौरान एक महिला तस्कर को किया काबू, 15 किलो चूरा पोस्त किया बरामद। जालंधर के पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में पंजाब पुलिस के सभी बड़े अधिकारियों और बीएसएफ अधिकारियों की हुई मीटिंग, बॉर्डर पार से आने वाले ड्रोन के जरिए नशे और हथियारों की रोक हेतु बनाई योजना। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।